हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हाई कैलोरीज फूड के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वे कौन से फूड हैं जो कैलोरीज में हाई होते हैं और जो टॉप 5 में आते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 फूड के बारे में जो हाई कैलोरी होते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप उन फूड को खा सकते हैं, क्योंकि वे सारे फूड वेजिटेरियन हैं। और मैं इसमें आपको कैलोरीज भी बताऊंगा कि कितने खाने पे आपको कितनी कैलोरी मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम बात करते हैं टॉप 5 हाई कैलोरी फूड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहले फूड की। सबसे पहला फूड है पोटैटो। पोटैटो एक हाई कैलोरी फूड है। अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हो तो आप पोटैटो खा सकते हैं, क्योंकि पोटैटो एक हाई कैलोरी फूड है, तो आपकी वेट गेन में काफी हेल्प करेगा। और अब हम बात करते हैं कि कितना पोटैटो खाने से कितनी कैलोरी हमें मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 ग्राम पोटैटो खा रहे हो तो इसमें आपको 70 कैलोरी मिल जाएगी, और अगर आप एक पोटैटो खा रहे हो तो इसमें आपको 130 कैलोरी मिल जाएगी। और मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल पोटैटो की। अगर आप बड़ा खाओगे तो इसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा कैलोरी मिलेगी, और छोटा खाओगे तो इसमें थोड़ी सी कम मिलेगी। सो ये आपको देखना है कि आप कैसा पोटैटो खा रहे हो, उसके हिसाब से आपको कैलोरी मिलेगी। और अब हम बात करते हैं दूसरे फूड की। दूसरा फूड है पास्ता। और अगर आप हाई कैलोरी फूड खाना चाहते हो तो इसमें आप पास्ता भी खा सकते हैं, क्योंकि पास्ता एक हाई कैलोरी फूड है जो आपकी वेट गेन में काफी हेल्प करेगा और आपकी कैलोरी काफी ज्यादा बढ़ा देगा। आप पास्ता भी खा सकते हैं। और अब कि कितना पास्ता में कितनी कैलोरी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 ग्राम पास्ता खा रहे हो तो इसमें आपको 120 कैलोरी मिल जाएगी, और अगर आप एक कप का पास्ता खा रहे हो तो इसमें आपको 170 कैलोरी मिल जाएगी। ये भी ऐसा ही है कि आप जितना ज्यादा पास्ता खाओगे उतनी ज्यादा कैलोरी आपको मिलेगी। एक कप पे डिपेंड करता है, मैं नॉर्मल कप की बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल कप में अगर आप पास्ता खाओगे तो उसमें आपको 170 कैलोरी मिल जाएगी। और अब हम बात करते हैं तीसरे फूड की। तीसरा फूड है डार्क चॉकलेट। अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हो तो ये भी काफी हाई कैलोरी फूड है जो आपकी वेट गेन में हेल्प करेगा, तो इसमें आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि कितनी ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। अगर आप 100 ग्राम डार्क चॉकलेट खा रहे हो तो इसमें आपको 540 कैलोरी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपकी वेट गेन में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप एक बार खा रहे हो डार्क चॉकलेट की, तो इसमें आपको 880 कैलोरी मिल जाएगी, जो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपकी वेट गेन में काफ़ी हेल्प करेगा। आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं वेट गेन करने के लिए। और अब हम बात करते हैं चौथे फूड की। चौथा फूड है नट्स। नट्स भी एक हाई कैलोरी फूड होता है जो हमारी वेट गेन में काफी हेल्प करता है, हमें नट्स खाने चाहिए। और अब हम बात करते हैं कितने नट्स खाने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 ग्राम नट्स खाते हो तो इसमें आपको 600 कैलोरी मिल जाएगी, और अगर आप एक कप नट्स खाते हो तो इसमें आपको 810 कैलोरी मिल जाएगी। ये भी काफी ज्यादा होती है, जो कि हमारी वेट गेन में काफी हेल्प करती है। और अब हम बात करते हैं पांचवें फूड की। पांचवा फूड है एवोकाडो। एवोकाडो भी एक हाई कैलोरी फूड होता है जो कि हमारे वेट गेन में काफी हेल्प करता है, तो हमें एवोकाडो भी खाना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि एवोकाडो कितना खाने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 ग्राम एवोकाडो खाते हो तो इसमें आपको 160 कैलोरी मिल जाएगी, और अगर आप एक कप एवोकाडो खाते हो तो इसमें आपको 230 कैलोरी मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा होती है और वेट गेन में काफी हेल्प करती है। हमें ये भी खाना चाहिए अगर हम वेट गेन करना चाहते हैं। ये है टॉप 5 फूड्स जिन्हें खाने से हम अपना वेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉप 5 हाई कैलोरी फूड है। ये है टॉप 5 हाई कैलोरी फूड जिन्हें खाने से आप अपना वेट गेन कर पाएंगी। ये है हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।